वी हैव द फाइनलीव दिन कैमरा स्पेसिफिकेशन इस स्पेसिफिकेशन को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं बट एट द सेम टाइम लेट बट एट द सेम टाइम मैं आपको एक कह दू कि ये फुल सेट ऑफ नहीं, सेट ऑफ कोर है तो जो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफी लिमिटेड सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन के सेंसर इज कमिंग स्ट्रेट आउट फ्राम दैनन मार्क टू कैम यहाँ डीपीएफ सेकंड जनरेशन की सेंसर तो है नॉट श्योर अबाउट दोक्सिंग पॉइंट राइट नाउ बट हा वन थाउजेंड प्लस एफ जोन इसके अंदर रहने वाले एंड इट्स नॉट ए बी एस आई सीमा सेंसर ये चीज़ मुझे थोड़े से कटकती है देखो आप मैं आ रहा हूँ स्पेसिफिकेशन में बट लेट मी रिवील दैट इसमें आई बी एस यूनिट नहीं है सेंसर सेफ्टी में डिस्टिटलाइजेशन सिस्टम इट इज़ नॉट देयर साथ ही साथ यहाँ पर आपकी एफ एस आई सेंसर है तो आप इससे ए सेवन थ्री से भी कंपेयर करो वी आर हैविंग अ बी एस आई सीमा सेंसर एंड

सबसे अच्छी रिजल्ट आती है बिलीव मी एट द सेम टाइम व्हेन वी आर इन 2023 आज की डेट में अगर आप कंपटीशन को एक लुक अराउंड दो देन यू विल सी दैट कैमरास हैव बीएसआई एंड एफएसआई एंड ऑल दैट स्टफ सो चलो यहां पर अब बाकी कोर स्पेक्स की बात करते हैं जो अपने

आप खींचने जा रहे हो तो ऑनली थिंग लेफ्ट इज वॉइस और आपके सेंसर की लो लाइट परफॉर्मेंस जो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगी क्योंकि तो कि आप सटर स्पीड तो रेस करोगे ही करोगे इफ यूर यूजिंग लेंस ऑफ 600 हंड्रेड एम फॉर एग्जाम्पल अब चलो सस्ती वाली ले लेते हैं सिक्स सौ से चार सौ एम वाली ठीक है चार सौ एम के अगर आप फोकल लेंथ की लेंस लगा रहे हो बटा स्पीड एवरेज रखनी पड़ेगीव दस्टम लें साइड आपको अपनी जो टू एक्स नहीं रखना है तो एटलीस्ट आपकी जो फोकल लेंथ है उसके ऊपर रखना अपने स्पीड को सीज द लेंस ऑल्सो एटलीस्ट आपको एक बटा 500 सौ यानी 1 बाई फाइव हंड्रेड ऑफ सेकेंड के आसपास को अपनी सेटअप रखनी है व्हेन यू आर यूजिंग द लेंस एट इट्स मैक्स फोकल लेंथ फोर एमएम फोकल लेंथ बट कैमरे के अंदर अगर आप भी इस रहती जो 7 से एट स्टॉप स्कैन एंड क्लेम करते हैं तो आप अपनी सेटर को 1 बाई थ्री के रेंज के आसपास आराम से रख सकते हो जब आप वन जब आप 400 फोकल लेंथ पर शूट कर रहे हो अब शटर को जब आप उतना नीचे ले जाते हो तो अनडाउटेबली जो आपकी इमेज क्वालिटी है उसमें काफी ज्यादा अपस्केलिंग आती है क्यों क्योंकि आपको पता है कि भैया जब आप अपने ऑटो आईएसओ को ऑटो आईएसओ मोस्ट ऑफ द टाइम वन आर शूटिंग वाइल्ड लाइफ एंड स्पोर्ट आपने ऑटो आईएसओ को ंड्रेड टू थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड सेट कर लिया अपने आर एट कैमरे को भैया उससे ऊपर नहीं जाना है सो इफ यू आर लोअरिंग दटर स्पीड कैमरा विल ग्रेजुअली लोअर दू मैनेज द एक्सपोजर लेवल तो यहाँ पर क्या होता है क्लियरिटी थोड़ी ज्यादा आ जाती ठीक है डेनमिक रेज थोड़ा बेटर आती जैसे जैसे आपकी आयोजो लो जाएगी इट विल गोइंग टू इम्प्रो दिस इज दट वी विल मिस

टाइप कुछ ले आते हैं अपने कैमरे के अंदर की एटलीस्ट वीडियो में मिल जाए हमें कुछ एक ऐसा अच्छी बात है सो ना मूविंग ऑन दिस इज लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो पार्ट वीडियो पार्ट पे आप काफी इंप्रेसिव वीडियो को रिस्पेक्ट है जस्ट लाइक वी हैव द आर6 पावर टू कैमरा यू आर एबल टू रिकॉर्ड 4K ओवर सैंपल्ड अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकंड दैट्स अमेजिंग का सपोर्ट है की यानी कि आप रेंज निकाल सकते हो अपने कैमरे से तो अगर आप सिनेमाटोग्राफर हो सेट पर विडियो बनाते हो कैमरा जबरदस्त कैमरा है भाई, रिम्बल्स पे शूट करते हो अमेजिंग कैमरा बट हैंडल ब्लॉक बनाते हो और इस कैमरे के अंदर जब आ जाता है लेट मी एना मोर फर्दर अगर इसके अंदर कोई विडियो इमेजिटेशन मेथड कैनन ने इम्प्लीमेंट नहीं करा है कोई नए टाइप की नहीं लाते हैं

और साथ course, kind of screen, kind of R5, ही साथ ऑफकोर्स न्यू काइंड का वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन मे बी काइंड ऑफ ए हु नोस ठीक है कुछ अच्छा ही एक्सपेक्ट करते हैं चलो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी न्यू फॉर्म फैक्टर सो इट इज काइंड ऑफ कैमरा इजी टू कैरी इन ऑल दैट स्टफ एंड एंड द वेट ऑफ द कैमरा इज ऑनली फोर हंड्रेड सिक्स बॉडी ओनली सो इट इज वेरी वेरी लाइट वेट कैमरा इजी टू कैरी बट इजी टू कैरी का क्या ही मतलब जब आपके अंदर आई नहीं क्या ही करेंगे हम कैरी करके आपको आपके साथ अभी ट्रिप लेके घूमना होगा वो दो किलो दस किलो अलग वजन पड़ जाएगा कंधे पे सब सोचना चाहिए कैनन को आप क्रिपल करो फोर स्टॉप्स के आई दो फोर स्टॉप्स के आई दो ठीक है क्रिपल पुराने वाले लगा दो अपना कोई आईबीएस सिस्टम लगाओ तो यार ये क्या खैर देखो दो लाख के अंदर का कैमरा इमेज इमेज जो जो ओवरऑल वीडियो को स्पेक्स है वो काफ़ी अच्छी है इफ़ यूर काइंड ऑफ ए फोटोग्राफर जो मोस्टली आप अपने कैमरे को गिम्बल्स में यूज़ करते हो ट्राइबॉर्ड्स में यूज़ करते हो जिस तरह से मैं भी अपने कैमरे को यूज़ कर रहा हूँ मेरे लिए बहुत अच्छा कैमरा है क्योंकि मैं भी ट्रैबोड पर अपने कैमरे को यूज़ कर रहा हूँ

आपके पास एक ऑलरेडी एफएसआई सेंसर बिराइबिस में डाल दिया लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट चलो देखते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलना एंड तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स लाइक मी